नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा नेचुरल गैस के अंदर काफी बड़ी तेजी आते हुए दिखाई दी। हमने देखा नेचुरल गैस डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो आज के सेशन में 410 का लेवल भी ब्रीच करता हुआ दिखाई दिया और करीबन 414 के आसपास का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म गल्फ ऑफ मेक्सिको, जो काफी बड़ा इलाका है जहां पे क्रूड और गैस का प्रोडक्शन होता है, तो पहले हमने देखा एक तूफान आया था इडा IDA, उसकी वजह से काफी जो रिफाइनरीज है वो ऑफलाइन में चले गई। कुछ रिकवरी करने की कोशिश हो रही थी, बट अगेन एक और तूफान निकोलस करके हिट हुआ है सोमवार को, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो सप्लाई है वो बाधित हुई और कहीं ना कहीं हैवी रेन स्टॉर्म इसकी वजह से सप्लाई पाइपलाइन है वो ऑफलाइन मोड में चले गई है, जिसका मतलब है करीबन 70% अभी भी आउटपुट ऑफलाइन मोड में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसके चलते ये बड़ी रैली हमने क्रूड में और नेचुरल गैस में बनते हुए देखी। साथ में हमने लास्ट वीक की अगर प्रोडक्शन की बात करें, दैट वाज हार्डली 90 BCF, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई काफी कम है। यूरोप में भी हमने देखा कि इन्वेंट्री ड्रॉप के चलते वहां पे भी हमने एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई देखी। तो कहने का मतलब है सारे जो फंडामेंटल है इस वक्त नेचुरल गैस को सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल में हमने $5 के ऊपर भाव को वापस बनते हुए देखा है। आज का वीडियो थोड़ा अच्छा और बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको लाइव स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं हिस्टोरिकल डेटा। 2006 से अभी तक अगर हम बात करें तो हमने 400 का लेवल इससे पहले 2007 में देखा था, फिर 2008-09 के बीच में हमने देखा था ऐसा ही कुछ पैरामीटर्स बने थे और प्राइजेस ने 400 का लेवल ब्रीच करके 590 तक का लेवल दिखाता हुआ दिखाई दिया। बट 2009 के बाद कभी भी हमने इसका लेवल ब्रीच होते हुए नहीं देखा। 2014 में भी हमने ऑलमोस्ट प्राइजेस को 400 का लेवल छूते हुए देखा, फिर 2019 के अंदर 350 के करीब आते हुए देखा और अब हमने देखा कि प्राइजेस 400 का लेवल ब्रीच कर चुका है। अगला लेवल 480 का बनता है, जो टेक्निकली 78.2 फिबोनाची लेवल का बनता है। कहने का मतलब है कि मार्केट में अगर तेजी कंटिन्यू रहती है सप्लाई कंसर्न्स को देखते हुए, तो 480 तक का भी लेवल नेचुरल गैस दिखा सकता है। अब हम देखते हैं लाइव स्क्रीन की ऊपर, तो आप देखिए मैंने ट्रेडिंग व्यू पे नेचुरल गैस का वीकली चार्ट लिया है, साथ में मैंने एक इंडिकेटर लिया है जिसका नाम है अल्सर। ये हमें बताता है कि मार्केट में कब बाइंग जोन चालू हो जाता है, कहां पे हम उसमें से एग्जिट करना चाहिए। और तीसरा इंडिकेटर लिया है मैंने RSI, जो हमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड का सिनेरियो बताता है। तो अगर आप 2019 की तेजी भी देखोगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि RSI 86 तक पहुंच चुकी थी। साथ में आप देखिए अल्सर इंडेक्स ये रेड जोन में आ गया था, और जैसे ही ये रेड जोन में आया इमीडिएटली आप देखिए कि काउंटर में एक भारी गिरावट आई, जो 330 से ऑलमोस्ट हमने 205 तक का फॉल आते हुए देखा। अब आप यहाँ पे देखिए कि जब ये पहले ग्रीन जोन में स्टार्ट हुआ तब भाव क्या था, तब भाव था 190, और 190 से मार्केट में थोड़ा तेजी हुआ, फिर थोड़ा फॉल आया, बट 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से मार्केट में एक उठाव आया और अल्सर के साथ साथ मार्केट में तेजी बनी हुई थी, जो 185 जो अप्रैल में हमने भाव को देखा था वहां से मार्केट में तेजी बनते हुए दिखाई दी और अब ये 410 का लेवल क्रॉस कर गया है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू जीरो के नीचे नहीं जा सकती। इसका मतलब है अब मार्केट अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर एक बड़ी बिकवाली की तौर पे आ सकता है, तो यहाँ पे आपको नेचुरल गैस के लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। तो इनऑल अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में जो तेजी थी फंडामेंटल तेजी थी, टेक्निकली 428 का अगला मैक्सिमम पड़ाव है और 403 का सपोर्ट है। अगर प्राइजेस वीकली बेस पे 400 का लेवल ब्रिज कर जाता है तो एक बड़ा क्रैश हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे, जो 340 से 320 तक का भी लेवल दिखा सकता है। और इंडिकेटर अल्सर ने बताया भी है कि कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है। जो तेजी आई है वो दो हरिकेन की वजह से आई है, वो कहीं ना कहीं अब मटेरियलाइज होने जा रही है, जहां पे हम देखते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। तो ओवरऑल नेचुरल गैस में जो तेजी आई उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।